15 मिनट में एक कर्व बनता है, तो आप लीजिए उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 20 मूविंग एवरेज नीचे है, सब कुछ है, बराबर है, बिंदास ले लेना है। एक ही चीज आपको बताया, एन कर्व यू कर्व, 15 मिनट में एन कर्व देखना है, 15 मिनट में यू कर्व देखना है। नेगेटिव ट्रेंड है, कहानी खत्म, सेल में बैठना है। पॉजिटिव ट्रेंड है, कहानी खत्म, यू कर्व में बाय में बैठना, और कुछ करना नहीं। यू कर्व के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एन कर्व के सॉरी यू कर्व के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, यू कर्व के एन कर्व के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। क्लियर? कल गलती नहीं जी होगा? ठीक है सर, देखते हैं। नहीं, आप एक प्रॉमिस करो कि मैं जोन के मतलब कि जोन को छोड़ के ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है सर, जोन जहां पे मैं प्लॉट करके देता हूं 10-15 पॉइंट आगे पीछे में करना है, अदरवाइज नहीं करूंगा। ट्रेंड नेगेटिव भी है, कभी भी मैं बाय नहीं करूंगा, सेल करूंगा। ट्रेंड पॉजिटिव भी है, बाय करूंगा। क्लियर? ठीक है सर। हाँ नहीं, चलो आप जो भी ट्रेंड हो मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा जो जोन है, आप एक ही बात प्रॉमिस करो कि मैं जो जोन देता हूं जोन से टच होने से लूंगा या जोन से 10-15 पॉइंट आगे पीछे में लूंगा, उसके बाद में कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा, ये पकड़ लो। चलिए निफ्टी में कल बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या है भाई, 200 के नीचे ओपन हुआ तो 60 मिनट में ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। शंकु सर समझ में आ रहा है, जी सर, जी 60 मिनट में ट्रेंड नेगेटिव हो गया ना, जी तो सेल करना है, फाइंड आउट कर दो। अरे आपके पास एक ही जगह है, स्टॉप लॉस। मैं तो आपको गारंटी देता हूं कि भाई स्टॉप लॉस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 10 ट्रेड के अंदर, 1-2 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होगा, 8 ट्रेड आप सपोर्ट में जाओगे, फिर किसी चीज के लिए आप डर रहे हो भाई। ट्रेंड नेगेटिव भी है, 60 मिनट में नेगेटिव भी है, सेल में बैठो, 60 मिनट में पॉजिटिव भी है, बाय में बैठो, 1,000-1,500 रुपया पर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, निकल जाओ। और जोन के अगर आपका कर्व के ऑपोजिट में क्लोज होता है तो भी निकल जाओ, डरने का कोई सवाल नहीं है। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी में मस्त ट्रेड आज मिला, तो करना चाहिए भाई आप लोग। चलो कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, कहां से आपको मिलेगा। तो कल का मार्केट को जाने से पहले एक बार हम लोग ग्लोबल मार्केट देखेंगे। चलिए मैं इंडिया ग्लोबल मार्केट ले लेता हूँ, अमेरिका का मार्केट या आपका अमेरिका का मार्केट सेम है। ये जो कैंडल में अंदर सेल हुआ है, कल जो लेवल एनालिसिस किया था सेम लेवल माय डियर, तो ये कैंडल के अंदर आपका सेलर बैठा हुआ है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, कल भी मैं आपको बताया था, जब तक माय डियर इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये कितना है 37,000, जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये मार्केट यहीं पे रहेगा। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 38,000, जब ये 38,000 तक जा सकता है, जब 38,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट किधर नहीं जाएगा, यानी 37 से लेकर 38,000 के बीच लास्ट 1 मंथ से मार्केट कटा रहा है, वो भी कटेगा, नहीं लग रहा है ऊपर जाएगा। अगर ऊपर 38,000 के ऊपर जाता है तो आराम मोमेंटम निफ्टी में आएगा, बैंक निफ्टी में आएगा, सब में आएगा, नहीं तो 37,000 को क्रॉस करता है तो 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ आप देखोगे। यानी ये जो लेवल है, मैं जो लेवल दे रहा हूं वो क्यों दे रहा हूं आप लोगों को पता है ऑलरेडी, बोलना नहीं पड़ेगा ही। तो ये हो गया आपका सिनारियो, मार्केट वही भी कंसोलिडेट आने वाला 1-2 दिन का अंदर करेगा, इधर इसको ब्रेक कर जाए नहीं तो उसको ब्रेक कर जाए। ये हो गया अमेरिका का मार्केट। दूसरा आप देख लीजिए, ये हो गया अमेरिका का मार्केट। देखिए कल लेवल दिया था, आ रहा है वही लेवल दिया था, पहले यही लेवल दिया था कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिया, उसके बाद मार्केट आया, कल क्लियरली बताया था 200 पॉइंट गिरेगा, बताया था कि नहीं, 200 क्या 300 पॉइंट गिर चुका है, तो कहां से ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा उसको देखेंगे वीकली।
दिल्ली में है, एक बार वीकली देख लेते हैं। माय गॉड, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। मे भी काल मैं आपको गैप अप देखने को मिलेगा, मे भी काल गैप अप देखने को मिलेगा माय डियर, कोई हड़बड़ी होने का जरूरत नहीं है, कल गैप अप होगा। तो ये लेवल है कल बाइंग लेवल, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत गैप अप होगा। यहाँ से अनदर 100 से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, मगर एचडीएफसी बैंक में कुछ इशू है, तो एक बार एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। आज एचडीएफसी बैंक गिरा, क्यों गिरा उसको एक बार देख लेते हैं। ये है एचडीएफसी बैंक, वाह गिरा है, तो एचडीएफसी बैंक एक बार वीकली चार्ट हम लोग देख लेते हैं। वीकली चार्ट देख लो एचडीएफसी बैंक का, थोड़ा नहीं कोई बात नहीं, डरने का सवाल नहीं है, मार्केट यहाँ रिकवरी करेगा, चिंता मत करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल अगर गैप अप मिलता है तो कहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करेंगे, मैं थोड़ा 60 मिनट का चार्ट देख लेता हूँ आपके लिए। तो 60 मिनट में देखिए, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ भाई, एक लेवल निकाल लेता हूँ 60 मिनट के अंदर। 60 मिनट में ये जो कंसोलिडेटेड रेंज है इसको पकड़ लेते हैं, तो इसको भी पकड़ लेते हैं, ये रेंज हो गया 60 मिनट, तो उसको 15 मिनट कर लेते हैं, तो देखते हैं। देखिए शानदार एन पैटर्न आपके लिए है, आपको कल ये लेवल के अंदर ट्रेड करना है, ये लेवल के अंदर आपको ट्रेड करना है। तो आपके लिए कल क्या लेवल रहेगा निफ्टी के अंदर बाइंग करने के लिए, सॉरी सेलिंग करने के लिए, क्योंकि 60 मिनट में ट्रेंड नेगेटिव है, नोट कर लीजिए लेवल को। थोड़ा रेड करता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपके लिए काल के लिए लेवल है माय डियर, नोट करिए 21,643, आपको सेल करना है, यहीं पे लिख देता हूं, सेल आपको करना है, पुट लेना है 21,643। ये मैडम भूल नहीं करने का काल, ये लेवल ठीक है का जब सर। तक नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं इनिशिएट करने का। 21,643 के पास आपको सेल लेना है। एसएल कहां पे लगेगा, एसएल लगेगा 21,685 भाई, कितना है 40 पॉइंट का ओनली स्टॉप लॉस। कल यहां पे आएगा तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, अदरवाइज 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, एन कर्व देखो। अगर आप ये एन कर्व देखते हो, अदरवाइज यहां पे टच होता है आप सीधा ले लो, मगर टच होने से आपको पता है थोड़ा रिस्क रहेगा, थोड़ा एन कर्व देखोगे। अगर आपको 5 मिनट बाद 3 मिनट का चार्ट में एन कर्व मिलता है तो आप 21,643 के नीचे आप सेल करो, अदरवाइज और कैसे सेल करोगे, मार्केट एक बार उसके नीचे जाएगा, एक बार आके उसके नीचे क्लोज होगा 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 3 मिनट का कैंडल। तो ये लेवल में सेल करना है, 21,685 के पास स्टॉप लॉस देना है। अगर माय डियर 15 मिनट का कैंडल ये 21,685 के ऊपर क्लोज हो जाता है, क्या होता है, अगर 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, यानी 21,685 के ऊपर क्लोज हो जाता है, आप तो सेल तो स्टॉप लॉस हो जाओगे, इमीडिएट आप बाय कर लेना। इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, अगर नहीं क्लोज होता है टर्न लेता है तो सेल करना सीधा, ये माल 21,400 तक आएगा, 21,400 तक आएगा माय डियर। क्लियर हो गया, निफ्टी के अंदर आपको 21,643 के पास सेल इनिशिएट करना है। सेल करने का कंडीशन 3 है, अगर टच करता है सेल करता है तो आप क्या करोगे, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे, और अदरवाइज आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखोगे, एक टर्न लेगा वो भी सेल करोगे, एन कर्व में सेल करोगे, अदरवाइज 5 मिनट इसके अंदर जाएगा, एक कैंडल उसके अंदर क्लोज होगा, तो आप सेल करोगे। 3 कंडीशन में आपको सेल करना है,
बाय कब करना है, 21,685 के ऊपर प्राइस 15 मिनट का प्राइस क्लोज हो गया। अब बाय करना है, जो लो मारेगा वो लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ये बाय करने का ऊपर वाला कंडीशन। नीचे के लिए थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कहां पे आपको बाय आएगा। ऊपर में बाय करने के लिए, सेल करने के लिए मैं दे दिया, नीचे में आपको कहां बाय करोगे, कहां बाय करोगे, यहां पे एक पीआरसी है, एक बार ये लेबल में ना, ये लेबल में टच किया है, कल तो गैप अप मिलेगा। नीचे से बाय करने के लिए मेरे को कहां पे कुछ नहीं पता चलता है। ये देखो मेरे को लग रहा है भाई, आने वाले 1-2 दिन के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि देखो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है मार्केट, पहली बार सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल से मार्केट कल ऊपर की तरफ जाएगा लग रहा है। ये लेवल से मार्केट देखो यहाँ पे एक शानदार जोन है, थोड़ा बहुत मार्केट गिरेगा, ये लेवल के अंदर थोड़ा ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा मार्केट, ये लेवल। तो अब आपको क्या करना है माय डियर, कल अगर गैप अप मिलता है ये लेवल तो सेल एक बार होगा, यहाँ पे सेल करो, स्टॉप लॉस देखो, नहीं तो कल गैप अप में इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो बाय करो। ये लेवल में मैं बाय करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, क्लोजिंग में अगर आपको ग्रीन में क्लोज होता है तो बाय कर लेंगे। स्विंग के लिए तो एक लेवल ठीक है, आप अगर स्विंग करना चाहते हो तो ये लेवल के अंदर बाय कर सकते हो, पर इंट्राडे के लिए नहीं, स्विंग करने के लिए। तो कल देखो क्या होता है मार्केट, एक एन कर्व अगर आपको प्रेजेंट मार्केट में मिलेगा, ये तो मैं ऊपर लेवल में आपको दे दिया, 21,643 में सेल करना है, स्टॉप लॉस 21,680 का लगाना है, 85 का लगाना है, उसका ऊपर में क्लोज होता है तो आप बाय करना है। अगर प्रेजेंट मार्केट में आपको यू कर्व मिलता है 15 मिनट चार्ट में, अगर आपको कोई यू कर्व मिलता है कहां पे भी मिलता है, आप पोजीशन उठा लेना। मैडम कल बाइंग करने के लिए नीचे में यू कर्व चाहिए, अगर नीचे में यू कर्व बना तो डेफिनेटली बाय करो, छोड़ोगे नहीं मार्केट। बैंक निफ्टी, सेम बैंक निफ्टी आपके लिए जोन किधर है, यही जोन है, आपको यहाँ पे दो जोन दे रहा हूँ सेल करने के लिए, यहाँ पे एक जोन है। यहाँ पे एक जोन है, तो कल बैंक निफ्टी के लिए आपको ये जोन आपको दे रहा हूँ, ये एक जोन है और ये भी एक फ्रेश जोन है। तो बैंक निफ्टी में आपको सेल करने के लिए माइंड योर दो लेबुल है, एक तो है 46,245 और एक है 46,732, ये दोनों लेवल है आपको सेल करने के लिए। तो आपको बेस्ट लेवल ये होगा बेस्ट, कल अगर मार्केट गैप अप होता है ये लेवल को जाएगा। लेवल में कैसे ट्रेड करोगे ऑलरेडी पता है, लेवल अंदर घुसेगा तो करो, नहीं तो 2-3 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखो, एक कर्व लेगा करो, जैसे भी करना है करो, यही लेवल होगा 46,732, ये लेवल पे आप शॉर्ट मारो। बाय करने के लिए कोई यू कर्व मिलता है तो आप बाय करो, 20 से लेकर 50 पॉइंट के भीतर स्टॉप लॉस, यू कर्व जितना बड़ा है उतना बड़ा का टारगेट लेके खत्म करो। नीचे वाला लेवल में नहीं दे रहा हूं, प्रेजेंट मार्केट में 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर यू कर्व मिलेगा तो बाय कर लेना, और सेल करने के लिए आपको बता दिया 46,732। रिस्क ट्रेडर 46,245 में सेल कर सकते हो, मगर 732 तो बेस्ट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। लेवल नोट करो, ये वीडियो को देखो, आपका चार्ट में प्लॉट करो, नहीं तो नोट कर लो पेपर में, जब प्राइस जाएगा तब लेना है। ये होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल, किसको कोई डाउट है लेवल के अंदर, नो सर, मैडम कुछ डाउट है? नो सर, देखो जोन पे ट्रेड करो, कभी भी जोन से 30-40 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया ऊपर चला गया कभी भी ट्रेड मत करना। अब प्रेजेंट मार्केट में यू कर्व देखना, 15 मिनट में जब तक यू कर्व एन कर्व नहीं होता है तब तक इनिशिएट मत करना। मेरा जोन दे दिया, जोन के अंदर ये जो जोन है अगर आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, आप इंतजार करो, जोन के अंदर 5 मिनट में यू कर्व बनेगा, अगर वो नहीं होता है 3 मिनट में यू कर्व एन कर्व बनेगा,
ये कर सकते हो। कभी कभार जोन को टच करने के बाद ओपन मार्केट में, सुबह जब मार्केट ओपन होता है, इमीडिएट बड़ा कैंडल हो जाता है। जोन से अगर 30 40 पॉइंट 50 पॉइंट मार्केट निकल आता है तब ट्रेड मत करना, न्यू क्यू कर्व एन कर्व के लिए इंतजार करना। क्लियर? चलो यस सर। सर। हाँ तब आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी इतना है। विदा लेने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस इज एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रपोज ओनली, बी प्रोटेक्ट ट्रेडिंग प्लीज टेक एडवाइज योर फाइनेंशियल एडवाइजर। फिर कल मिलेंगे हम लोग कितना बजे, 8 बजकर 15 से आज भर कर 30 मिनट के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे मार्केट में डिफरेंट कंडीशन में जो रूल एंड रेगुलेशन होता है निफ्टी में, मतलब कि ऑप्शन में क्या क्या रूल्स है, फ्यूचर में क्या क्या है, एक्सपायरी का ऑप्शन क्या है, मार्केट का पूरा एनालिसिस पढ़ेंगे। चलो टेक केयर माई फ्रेंड्स, गुड नाइट। कल ज्वाइन गुड नाइट करना, सर। हाँ लिंक भेज दूंगा। हाँ दूसरा बात है, जो आदमी ज्वाइन किया हो मार्क मेरा ये नंबर को सेव कर दिया, तो कल मैं इंडिविजुअली नहीं भेजूंगा, ग्रुप के अंदर भेजूंगा, तो सेव कर लेना ये नंबर को। नंबर पता है 9778883037, इसको सेव कर रहे हैं। चलो टेक केयर माई फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कल।